हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अजीत मोहन झा, आप लोगों को अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आप जैसे कि थंबनेल में ऊपर देख रहे होंगे कि ये जो गाड़ी में इलेक्ट्रिक गाड़ी जो होता है उसमें अगर हम प्रॉपर कुछ माइनर सी अगर हम ध्यान नहीं दें, छोटी मोटी गलती की वजह से वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और उसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। आज मैं इसी चीज़ के ऊपर में बात करूँगा जो बहुत ही ज़रूरी है हर इलेक्ट्रिक गाड़ी वालों के लिए, जिसके पास में इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, चाहे टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। कुछ चीज़ इलेक्ट्रिक गाड़ी में बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना होता है। नहीं तो एक हिंदी में कहावत है, अब पछताते होत क्या जब चिड़िया चुभ गई खेत। तो दोस्तों, जब हम छोटी सी गलती को हम अगर ध्यान में नहीं रखेंगे और छोटी सी गलती अगर हो जाती है तो बहुत बड़ा वो लॉस हो जाता है। तो उसे हम अगर शुरू में ही उस चीज़ को समझ लें, उस चीज़ पर ध्यान रखें, तो आप यकीन मानिए आप कभी भी परेशानी में नहीं आएंगे और आपकी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस देगा, अच्छे से चलेगा। तो आप लोग जैसे कि ये वीडियो में जो आप लोगों को इमेज दिख रहा होगा उससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने अपने गाड़ी का जो है वाश करवाया था, तो एक हमारे व्यूअर थे, उन्होंने हमें बताया था कि सर, हमने गाड़ी की वाशिंग करने के बाद हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई और जो उसकी बैटरी है वो प्रॉब्लम हो गया, बैटरी में प्रॉब्लम है या कंट्रोलर में प्रॉब्लम हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया, अब हमारी गाड़ी ऑन नहीं हो रही है। तो दोस्तों, बता दूं आपको कि पेट्रोल वाले गाड़ी में तो इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो आप पानी से, जब आप इसको पानी के प्रेशर से इसको वाश करते हैं, तो जो उसको क्या कहते हैं, जो जिससे प्रेशर बनता है, नोजल कहते हैं आई थिंक, वो जो नोजल होता है ना, उससे अगर आप पानी की ऐसे जगह पर फोर्स करेंगे कि उसके अंदर जो सामान होता है, जैसे कि आप ये पीछे ये देखिए, ये जो ये व्हील होता है, ये इसमें मोटर लगा है, इस पर आप बहुत ज़्यादा फोर्स से पानी ना इस पर मारें। और वाशिंग के टाइम में जिसको पता नहीं होता है वो क्या करता है, उल्टा साइड से अंदर की ओर प्रेशर मारता है पानी का। तो उससे क्या होता है, ये जो आप सीट आगे ये देख रहे हैं, ये सीट जो होता है, इस सीट के नीचे इसका कंट्रोलर होता है और इसमें जो ये जो बैटरीक होता है, यहाँ पे सीट के नीचे जो बैटरीक होता है उसके ऊपर में उसके कार्ड होते हैं बैटरीक के, और ज्वाइंट भी कई सारे होते हैं जो कंट्रोलर में जो तार उड़ जाता है। तो अगर आप इसको उल्टा साइड से अगर पानी की प्रेशर अंदर की ओर मारेंगे वो उसमें चांसेज, वैसे तो इसमें वाटर प्रूफिंग मोटर होता है, बहुत अच्छे से सब कुछ सिस्टम बैठाया गया रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा फोर्स पानी से मारेंगे तो क्या होएगा कि वो कंट्रोलर में पानी जा सकता है या इसके जो सर्किट वगैरह होते हैं जिससे कनेक्ट होता है उसमें भी पानी जा सकता है, और उसके बाद अगर आप गाड़ी को ऑन करते हैं तो स्पार्क करता है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फोर्स से अगर आप पानी चला रहे हैं तो आपकी कंट्रोलर भी फूक सकती है, आपकी हो सकती है मोटर के अंदर भी पानी जा सकता है। वैसे वाटर प्रूफिंग मोटर होता है, बहुत ही रेयर केस होता है कि मोटर के अंदर पानी जाता है, लेकिन हमें इस सब चीज़ की ध्यान देना होता है। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उस लोगों के लिए जो कि वाशिंग के टाइम इस सब पॉइंट की ध्यान नहीं रखते हैं। आगे से आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ताकि आप बहुत बड़े नुकसान में ना जाएं। जैसे कि अगर यदि कंट्रोलर आपका फूक गया, कंट्रोलर ख़राब हो गया,
तो 4,000 रुपये की करीब कंट्रोलर आती है। एक माइनर सी प्रॉब्लम की वजह से आप उस नुकसान आपको हो सकता है, तो आप लोग इस चीज़ की ध्यान रखें। मैं आपको कुछ और भी इमेज दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिए, पानी कैसे डालना ये चाहिए। जब आप वॉश करते हैं तो जो आगे की वो डिजिटल मीटर है, ये देखिए, ये जो डिजिटल मीटर होता है, इसमें से आप देखेंगे, मैं गाड़ी का चाबी निकाल लिया हूँ और गाड़ी हमारी ऑफ है, ये मीटर ऑफ है, तो मीटर पे डायरेक्ट पानी की फोर्स ना मारें। और आप गाड़ी, ये आप देखिए, ये मैं पानी की फोर्स कहाँ पे, ये सीट के ऊपर में ये पानी के फोर्स मार रहे हैं, उसके बाद बॉडी पे पानी की फोर्स मारते हैं ताकि गाड़ी भी वॉश हो जाए और इसका जो पानी है वो किसी ऐसे जगह ऐसे चीज़ पे ना जाए जिससे कि हमें नुकसान हो। तो ये छोटी छोटी सावधानी आपको ये रखनी पड़ती है। तो ये देखिए, ये इसकी कंट्रोलर है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये इसकी कंट्रोलर है और ये जो कंट्रोलर है इसमें ये जितने भी ये रेड ब्लू ग्रीन ये जितने तार आपको दिख रहे हैं, यही तार जो होता है ये मोटर में कनेक्ट होता है ये कंट्रोलर के थ्रू, और ये बाकी ये जितने भी आप यहाँ पे ये पतला पतला ये तार दिख रहे होंगे, ये तार जो है ये एलईडी लाइट में और कई जगह पे ये तार जो है गया हुआ रहता है। तो और ये जो कंट्रोलर होता है इसके अंदर में जो होता है ये आईसी वगैरह होता है, एक कार्ड टाइप का होता है जो कि पूरी गाड़ी में पावर सप्लाई की कंट्रोल करता है, और पावर सप्लाई जिस चीज़ में जितनी की ज़रूरत होता है वो उतनी ही देता है। मोटर के लिए भी इसी कंट्रोलर के थ्रू पावर जाता है, मीटर में भी इसी कंट्रोलर के थ्रू पावर जाता है, तो हर जगह जो होता है इसी कंट्रोलर के थ्रू ही पावर जाता है। तो आपको मेरा दिखाने का मकसद ये है कि आप इस पॉइंट को समझें, और मैं आपको इसकी बैटरी का भी दिखाता हूँ कि बैटरी किस टाइप से ये बनाया जाता है और क्या इसमें सावधानी रखनी पड़ती है। ये देखिए दोस्तों, ये ये जो बैटरी का आपको दिख रहा है ये लिथियम बैटरी होता है, और इसमें जो ये पत्ती आप देख रहे हैं ये एक बैटरी को दूसरे बैटरी से प्लस को प्लस से माइनस को माइनस से कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, इसको पैरेलल में पहले जोड़ा जाता है और इसको कुछ बैटरी को सीरीज में जोड़ के इसको 72 वोल्ट या 24 वोल्ट जितने की बैटरी की कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंगली इसको जोड़ा जाता है। तो अगर यदि आप पानी की फोर्स से अगर किसी भी पत्ती पे पानी चला जाता है तो वो सप्लाई जो होता है निगेटिव और पॉजिटिव वो दोनों ही स्पार्क करने की चांस रहता है। तो इसीलिए मेरा दिखाने का मकसद यही है कि ये आप इससे ये चीज़ समझें कि इसमें पानी कितना खतरनाक हो सकता है। ये देखिए, ये बैटरी जब सीरीज में जुड़ जाता है तो बिल्कुल इस टाइप से होता है, एक बैटरी दूसरे बैटरी से फिर इसकी पत्ती इसके, मतलब ये पूरे पैरेलल सीरीज में जोड़ा हुआ है, ये इसको हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो ये पैरेलल में जोड़ा होता है ताकि इसकी एम्पेयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ये देखिए, जब ये पूरे जुट जाता है इस टाइप से, इस चैम्बर में ये पूरे सही से असेंबल किया जाता है, और असेंबल होने के बाद ऊपर में इसका तार निकला हुआ रहता है, और यही तार जो होता है ये इसी से कंट्रोलर में और एमसीबी में जाता है। तो आपको इसमें अगर कहीं भी जॉइंट पे अगर पानी की फोर्स पड़ जाता है तो ये बैटरी की भी कार्ड ख़राब हो सकता है या कंट्रोलर ख़राब हो सकता है। तो आप लोग मेरे कहने के मतलब समझ गए होंगे कि हमें वॉशिंग के टाइम जो होता है गाड़ी को पानी की फोर्स डायरेक्ट अंदर में के
नहीं मारना चाहिए, बॉडी पे मारनी चाहिए और ऊपर से मारनी चाहिए, फोर्स कम कर रखनी चाहिए। इस सब पॉइंट की हमें जो है ध्यान रखनी चाहिए। और दूसरा, मैंने कई सारे वीडियो ये गाड़ी में हमें लेने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी में लेने के बाद क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। मेरा ये मकसद है कि हमारा जितने भी व्यूअर्स हैं वो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होता है खुद उस चीज़ को रिजोल्व कर ले, खुद इस चीज़ को सही करें। मेरा मकसद ये है कि आपको छोटी मोटी परेशानी ना आए। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप मुझे डायरेक्ट भी अगर कहीं पे आप परेशानी में फंस जाते तो मैं आपको हेल्प कर, ये मेरे से अगर यदि हेल्प होने लायक होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। अगर फ़ोन पे प्रॉब्लम की शॉर्ट आउट होगी तो मैं आपको फ़ोन पर ही प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट जो है करवाने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज मैं आपको जिस टाइप की प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको सलाह दूँगा, और आप कहीं भी सर्विस सेंटर पे जाके आप उसे ठीक करा सकते हैं। तो मेरा जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मैं गाड़ी को कैसे सेफ रखें, कैसे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज ले सकते हैं, कैसे उसकी हम पिकअप बढ़ा सकते हैं, और भी कुछ ऐसे टिप्स के बारे में हम नॉलेज देते हैं जिससे आपकी गाड़ी की लाइफ भी अच्छी हो, अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आदमी छोटी छोटी पॉइंट को समझे, वो गलती ना करे जिससे बहुत बड़े नुकसान में आ जाएं। तो मेरा मकसद यही है। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और मेरे चैनल को लाइक करें, और जो पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स।